हेलो फ्रेंड्स आज हम यू पी एस सी सी के ऐसे के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्ट दिस ईयर हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स और जो सबसे टफ ऐसे होगा हम उसको लेके समझने की भी कोशिश करेंगे क्या इस ऐसे को कैसे अप्रोच किया जा सकता है ठीक है बिफोर दैट लेट वे इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम प्रज्ञेश प्रसून Founder of Prakash IS. I have worked with GST. I have worked as a GST officer for 2-3 years. And uh, I have written 5 UPSC means also I appeared in interview. So I have consistently scored top marks in essay paper. And I have worked with an academy, physics. Wala. फिजिक्स वाला का जो वर्टिकल है यूपीएससी वाला एंड शुभरंजन आयस एट टॉप मैनेजरियल पोस्ट ऑल्सो आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस एसए पॉलिटी इंटरनेशनल अफेयर्स गवर्नेंस एंड करंट अफेयर्स एट शुभरंजन आयस पटना सेंटर सो so, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अब हम चलते हैं आज के ऐसे के पेपर पे सो so, आज के ऐसे के पेपर पे सी सेक्शन ए सेक्शन ए सेक्शन ए सेक्शन ए में चार ऐसे पूछे गए ठीक है सो लेट सी फर्स्ट ऐसे थिंकिंग इज लाइक ए गेम इट डज नॉट बिगिन अनलेस देर इज एन अपोजिट टीम चिंतन एक तरह खेल है या तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो ठीक है दिस ऐसे इज बिट फिलोसफिकल बिट एनालिटिकल ठीक है इसमें बहुत सारे हम जीएस के फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं इनफैक्ट हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन को शो कर सकते हैं कि हाउ थिंकिंग प्रोसेस इज ऑलवेज इवॉल्व फ्रॉम अपोजिट थिंग्स लाइक इन वेदी किरा वेन सोसाइटी बिकम वेरी रिजड से थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट वाई वाई सेक्रीफाइसेस वाई कांट बी रिलीजन बी सिंपल ऐसा एक रिलीजन नहीं हो सकता जो बहुत सिंपल हो जहां पर इतनी हरार की नहीं हो सो वी सॉ दैट थिंकिंग प्रोसेस लेट टू वट बुद्धिज्म again again we see again society become rigid in what medieval period society become rigid religion become rigid so many system hierarchical system so again we saw again we saw a thought process in the form of bhakti movement and with the arrival of uh, islamism in india we also saw sufism Parallelly, in Europe, Europe in medieval period, what was happening? Reformation, Renaissance. That Renaissance was again, again, from what opposed thinking that society has become a stagnant. So we needed that time what? Something to come out of that slumber. So Reformation tha, that reformation arised out of darkness, out of slumber. So that again that thought process. Emanated from the darkness. And same thing applied to the Indian context. India major when Indian society became colonized, then Indian intellectual classes started thinking why we become why we become slave in the hand of few Britishers. So it was not only the exploitation by Britishers, but also. Our society was lacking you know, on, on various fronts. So they started thinking in terms of social reformation. They started focusing on modern education. They started bringing the thought of what? Nationalism. So whole this idea shows that chintan, thinking is a game, it doesn't begin unless there is an opposite team. जब ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बनाया दैट टाइम वी स्टार्टेड थिंकिंग वाई वाई वी सच ए वास्ट कंट्री एक इतना बड़ा साम्राज्य एक भारत जैसे समृद्ध साम्राज्य मुगल साम्राज्य एक छोटे से ब्रिटिश कंपनी के औपनिवेशिकवाद और साम्राज्यवाद की नीति के तहत की गुलाम बन गई और यह चिंतन सोचने में मजबूर कर दिया कि यह हमारे समाज में कहां पे कमी है सो so, अपनिवेशिकवाद और साम्राज्यवाद वह विरोधी पक्ष था जिस विरोधी पक्ष ने भारतीय समाज के चिंतन को उद्धृत किया ठीक है so, सो इस इसके बारे में बात करनी थी विजनरी डिसीजन मेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन इंटू, एंड लॉजिक सो so, ये इंट्यूशन क्या होता है इंट्यूशन सर वो होता है जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं होते बस अंदर से अंतर आत्मा की आवाज होती है और लॉजिक क्या होता है जब आप किसी चीज को लॉजिकली तर्कपूर्ण रूप से सेटिस्फाई करते हो और ये यह चीज़ इस बात को दर्शाता है इस एस का डिमांड ये था कि तर्कपूर्ण और अंदर के इंटूटिव आवाज को मिला के ही एक संज्ञात्मक डिसीजन लिया जा सकता है इनफैक्ट बहुत जिन लोगों ने भी डैनियल कैनम की बुक पढ़ी होगी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो उस बुक में उन्होंने दो चीज़ों के बारे में बात की है एंड कि कैसे डिसीजन मेकिंग होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन उसको उन्होंने सिस्टम वन का नाम दिया है और लॉजिक इसको उन्होंने सिस्टम टू का नाम दिया है और हाउ सिस्टम वन सिस्टम टू टू वर्क्स इस चीज इस ऐसे हमें यही बात करना था कि कब इंट्यूशन कब लॉजिक कैसे इंट्यूशन को हम लॉजिक के थ्रू शेड कर सकते हैं और कैसे लॉजिक इंट्यूशन को प्रेडिक्टेबल बना सकता है ठीक है और हम यहां कर सकते हैं सही भटकने वाले नहीं थर्ड बहुत सिंपल बहुत इजी बहुत कुछ इसमें नहीं था बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स कोट करने थे वुड स्टार्ट फ्रॉम बुद्धा वी विल गो बुद्धा से जितने उसके बाद जितनी अपने रिफॉर्मर्स हुए भक्ति मूवमेंट टाइम के देन वी विल सी ऑल द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के जितने भी लीडर्स हैं विल सी लीडर्स तो इस टाइम लाइन पे वी विल सी कि जिन जिन लोगों ने भी भटक जिन जिन लोगों ने भी इस्टिश पाथ को छोड़ के कुछ नए खोज के तलाश में निकले वरों ने अपने मंजिल को प्राप्त की बशर्ते यहाँ पे इस ऐसे का पर्पस ये कि आपको ये दिखाना है कि उन लोगों के पास एक पर्पस था विदाउट पर्पस आप भटक रहे हो आपके पास कोई गोल ही नहीं है सपोज यू आर यू आर मूविंग अराउंड आप एक सर्कल के अंदर घूम रहे हो ये सोच के कि कभी ना कभी इसका अंत प्राप्त होगा तो यू आर जस्ट ए लूप इसका सर कोई अंत नहीं है और आप भटकते ही रहोगे भाई पॉइंट है इज दैट भटकना इज नॉट इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये है कि भटक आप जिस भटक रहे हो उसके पीछे कोई पर्पस है कि नहीं है यदि आप किसी पर्पस के लिए भटक रहे हो तो आपको पर्पस जरूर मिलेगा बुद्ध को मिला गांधी को मिला कृष्ण को मिला और इनफैक्ट जिन जिन लोगों ने भी हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस में ह्यूमैनिटी में इस पर्पसफुल पाथ को चुना दे ऑल सक्सेसफुल एंड दे ऑल हैव स्टैब्लिस्ड न्यू बेंचमार्क न्यू स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमैनिटी इसमें हमें ये बात करनी थी ऐसे नंबर फोर ये ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग था इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द फर्ट्स टू तो लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से पुजती इसका मतलब ये कि जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं हमें देखने बहुत सिंपल लगता है बट वो सिंपल चीज़ों को जब हम जब हम उत्सुकता जिज्ञासा भरे निकाहों से देखते हैं तो बहुत सारे क्रिएटिव चीज वहां से इमर्ज हो सकती है फॉर एग्जाम्पल एन इफ आई एम नॉट रॉन्ग रॉन्गटीन एटी वन वेन न्यूटन बिलोल्स ट्री वेन ही सॉ एपल्स फॉलिंग उसके पहले भी लाखों लोगों ने एप्पल को गिरते हुए देखा होगा बट इट वॉज न्यूटन हु थॉट कि यार एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है ऊपर क्यों नहीं गिरता और भाई साहब यहां से पूरी पूरी न्यूटन कि फिजिक्स एस्टैब्लिश हो गई न्यूटन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मैनी मेनी मोर थिंग्स इन इनफैक्ट यहाँ से पूरा फिजिक्स तक नया रियाल भी खुल गया सो so, एक कैसे अपने लाइफ के आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने से वी कैन हैव सो मैनी क्रिएटिव आइडियाज एंड विच कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इसका दूसरा आस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि हम ना क्रिएटिव चीजों का मतलब ये समझते हैं कि म्यूजिक पेंटिंग डांस आर्ट और बाकी नॉर्मल चीजें हम समझते ही नहीं है जैसे कि भाई साहब आपकी मां खाना बनाती हैं। दैट्स ऑल्सो क्रिएटिव वर्क पॉइंट इज दैट आपको वो समझने की जरूरत है जब मां जिस प्यार से जिस तल्लीलता के साथ जिस आत्मीयता के साथ वो खाना पका रही है अपने बच्चों के लिए दैट्स अ क्रिएटिव वर्क घर में आप पोछा लगा रहे हो दैट्स क्रिएटिव वर्क बसरते आपको उसमें मजा आ रहा है आप एक चीज को एंजॉय कर रहे हो कि या, a, और उस का फुली कर रहे हो. सबरी का जूठा बे राम को खिला रहा दैट इज आल्सो क्रिएटिव और लॉर्ड हनुमान का समुद्र में पत्थर डालना दैट इज आल्सो क्रिएटिव बिकॉज दैट ऑल हैज बिन फिल्ड विथ लव जहा पे फिल्ड जहां पर लव लव होगा जहां पे लव इज कंप्लीट फुलफिल्ड दैट वर्क विल बिकम क्रिएटिव एंड द मोर यू आर क्रिएटिव जितना ज्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी है मोर मोर यू यू आर बिकमिंग गॉडली विल बिकम डिवाइन क्यों क्योंकि सर जितने भी हैं सब सबने किसी ने किसी क्रिएटर गॉड को एक्सेप्ट किया है उनके लिए गॉड का सबसे सुप्रीम गॉड का जो सबसे सुप्रीम एट्रीब्यूट है सबसे सुप्रीम गुण है वो है क्रिएटर का सृजनात्मकता का रचनात्मक शक्ति का और यह सृजनात्मक शक्ति इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी सबसे बड़े गुणों में से एक है और जितने ज़्यादा आप सृजनात्मक होते हो उसका मतलब उतने आप डिवाइन होते जा रहे हो जितना आप ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो मोर यू आर बिकमिंग क्रिएटिव मोर यू यू आर बिकमिंग डिवाइन so creativity is also related with love so more you are creative more you are having love inside you benediction more you are becoming divine more you will become divine more you have ability to see so many creative magical things in, the, in this मंडे इन वर्ल्ड सो यू कैन बिकॉज ऑफ यूर दिस डिवाइन पावर यू कैन सी जो झरने से पानी गिर रहा है यू विल सी द मैजिक ऑल्सो हवा बह रही यू विल सी यू कैन हीयर द म्यूजिक ऑफ दैट एयर ऑल्सो दिस इज क्रिएटिविटी सो दिस एसे इज ऑल अबाउट दैट नाउ अगेन ये फिफ्थ नंबर ऐसे ठीक है एक्सपेक्टेड लाइन पे वमेन बट गुड पार्ट इज दैट यहाँ पे इन्होंने इसको भी बॉयज़ विद डिमांड्स को भी इन्होंने कवर किया गर्ल आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शन बॉयज़ विद डिमांड्स मतलब लड़कियों पे रेस्ट्रिक्शन दैट इज़ पैट के बारे में बात करनी है और यहाँ पे जो सोसाइटी है वो कैसे अपने क्रिएटिव थाट्स को सोसाइटी कैसे अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली अपने एक्सपेक्टेशन को वॉइस के ऊपर थोपती है तुम्हें ऐसे करना है वैसे करना है तो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है इनफैक्ट ये जो एस नंबर फोर है इससे बहुत मिलता जुलता है ये सेकेंड वाला पार्ट कि बिकॉज वेन बॉयज डिमांड सो ही विल नॉट बी क्रिएटिव इधर ही विल बी अंडर द प्रेशर ऑफ फुलफिलिंग दोज डिमांड्स और ही विल बिकम एम्बिसियस मोर यू विल बिकम एम्बिशियस मोर यू विल लूज यूर क्रिएटिव मोर यू मोर यूकम एम्बिस लूज यूर क्रिएटिविटी ना एक और ऐसे मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक ऑफ रीजन एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट मोस्ट टफेस्ट सबसे जो टफ जो ऐसा इस पेपर में पूछा गया दिस इज गणित ज्ञान का गणित ज्ञान का संगीत है आ, बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट्स भी आए कि सर दिस एस ए वॉज कम्प्लीटली अ बाउंस ऑफ इनफैक्ट ऐसा मैंने यूट्यूब चैनल से बहुत सारे एजुकेटर्स ने बोला कि या yeah, किस तो आज हम इसी ऐसे को देखने जा रहे हैं क्या ये ऐसे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते थे क्या मेरी क्लास करने के बाद इस ऐसे को हमने अप्रोच किया जा सकता था तो इस ऐसे को मैं भी अभी आपके सामने आई विल डिस्कस ठीक है एस नंबर सेवन दैट एस अगेन आज इस टॉज आज इन ट्वेंटी ट्वेंटी अबाउट सोशल जस्टिस सेम एसेटिक्हाट रिमी मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ एजुकेशन वैल्यू वेस्ट एजुकेशन बहुत अच्छे से मैंने इस टॉपिक क्लास में करा रखा था कैसे ऐसे के एजुकेशन बेस्ड टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे ठीक exactly है इसके बॉडी का फ्लो कैसे होगा एग्जैक्टली सेम थीम आई हैव कवर्ड इन द क्लास एजुकेशन इज ऑल अबाउट वाट यू हैव बिकम ठीक है सो लेट्स स्टार्ट अभी हम इस टॉपिक से शुरू करने जा रहे हैं कि ये इस ऐसे को कैसे लिखा जा सकता है अब हम चलते थे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट टॉपिक इज मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ द रीजन मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन सर दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक में इस टॉपिक की डिमांड क्या है इस टॉपिक में आइडियाज का फ्लो कैसा होना चाहिए और आइडियाज लॉजिकली किस पॉइंट तक हमें इसको लेके जाना है और कैसे हमें कंक्लूड करना है तो बस मोटा मोटी हम स्ट्रक्चर देखने समझने की कोशिश करते हैं तो यहां पर इससे इसे के डिमांड को समझने के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं यहां पर तीन चीजें हैं मैथमेटिक्स रीजन एंड म्यूजिक सो मैथमेटिक्स और रीजन को कनेक्ट करने के लिए सर क्या है म्यूजिक तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज म्यूजिक अगर हमें म्यूजिक समझ में आ गया तो हम इस रिलेशन को भी करके कर, कर लेंगे सो व्हाट इज म्यूजिक म्यूजिक इज ऑल अबाउट हारमोनी music is all about synchronization music is all about order resonance and so rhythm and overall music is what music is overall an organic whole of All ऑल and sounds. इसका जो एक ऑर्केस्ट्रा की एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ प्ले कर रहे होते हैं बट जो म्यूजिक है उनका एक सिंथेसिस होता है उनका एक ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन मतलब इट्स नॉट मैकेनिकल आप इन दोनों चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि और ये वाला पार्ट अलग है ये वाला पार्ट अलग है वो आपस में इस तरह आपस में मिले हुए हैं कि वो एक सिंगल एंटिटी की तरह हमें दिखाई पड़ती है सो दिस इज म्यूजिक एंड टू हैव दिस म्यूजिकल हैव दिस म्यूजिकल बॉन्डिंग वट वी नीड वी नीड प्योर प्योर बॉन्डिंग वी नीड प्योर साउंड्स वी नीड प्योर अब ऐसा नहीं है कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है तो उस इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकल के आ रही है वो साउंड ही सर इम्परफेक्ट है या फिर इंस्ट्रूमेंट इम्परफेट है तो क्या होगा उसका सर ऑर्गेनिक सिंथेस हो ही नहीं सकता सो वी कांट हैव दैट म्यूजिक सो अब बात आती है कि इस म्यूजिकल रिलेशन को प्ले करने के लिए वट यू नीड वी नीड सर प्योर रीजन और रीजन सर क्या होता है रीजन को समझने की कोशिश करते हैं वट इज रीजन रीजन इज सर प्योर लॉजिक रीजन ह्यूमन रीजन रीजन इज वट रीजन इज ऑल अबाउट कॉगिनेशन यह हमारी लॉजिकल एबिलिटी है इट्स प्योर लॉजिक दिस इज रीजन अल्टीमेट रैशनल थिंग ट इज रीजन एंड वेन वी वॉन्ट टू हैव दैट म्यूजिकल रिलेशनशिप ऑफ रीजन सो वेन इट प्योर रीजन एंड दैट प्योर रीजन इज ओनली ओनली फाउंड इन मैथेमेटिक्स इस बात को हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों मैथमेटिक्स में प्योर रीजन पाया जाता है वाई प्योर रीजन इज नॉट फाउंड इन एनी अदर डिसिप्लिन सो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वाई वाई प्योर रीजन इज ओनली फाउंड इन मैथेमेटिक्स तो डिसिप्लिन तीन तरह की हो सकती है मैथेमेटिक्स science and social science or humanities and what we see in humanities there is a lot of subjectivity if there is a lot of subjectivity there is a lot of there are a lot of opinion based जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर इवेंट को डिफरेंट पर्सन कैन इंटरप्रेट इन डिफरेंट वेज इट्स मोर अबाउट ओपिनियन बेस्ड एन रैदर एक्यूरेट बेयर फैक्ट सो इन हिस्ट्री वी कॉन्ट हैव समथिंग दैट इज कम्प्लीटली फैक्चुअल लॉजिकल सिमिलरली इन जियोग्राफी यू विल सी मेनी थ्योरीज आर देर बट ऑल दस्ट इट टू एक्सप्लेन एरी जियो फिजिकल फेरोमिना देर आर मेनी थ्योरीज बट देट थ्योरी Have different different assumptions. So again, in geography, we don't find such so, so all this kind of logical necessity that factual bare factualness. In geography, we don't see that logical. So in geography, that pure reason is not possible. Now, so. It's not possible in social science. Let's get back to science. So, in science, uh, science is what science is based on one single premise that is, cause and effect relationship. Through cause and effect relationship, science tries to explore all the things. Science, again, first thing is that cause and effect relationship, second is एक्सपेरिमेंटेशन अब यहां पे बहुत सारे फिलोसोफर ने इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लॉजिकल पे क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि कि भाई साहब मान लेते हैं ए इज़ ऑफ़ बी बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और बी के बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप हो ए और बी दो ऐसे इवेंट हैं जो सदियों से एक साथ होते आ रहे हैं और बिकॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी बिकॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी साइकोलॉजी वी सी दिस टू एंड बी अक्रिंग टूगेदर सो वी हैव एसोसिएटेड ए एंड बी एंड वी साइकोलॉजीली साइकोलॉजिकलीव एन है कॉज एंड इफेक्ट इन एक्चुअलिटी दे माइक नॉट बी एनी दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप और हो सकता है कि फ्यूचर में ए बी को लीड ना करे ए माइक नॉट बी दॉज ऑफ बी So we can't see the entire future. We can't see all the circumstances in which we can verify that A will always lead to B. So, so philosophers have raised a question. In science, this cause and effect relationship is maybe a logical necessity. because we as a human being cannot verify all the circumstances and all the time.

सो वंस वी फाइंड द प्योर रीजन सो प्योर रीजन की प्योर रीजन प्योर रीजन का सिंक्रोनाइजेशन कहां पॉसिबल है सर वन इन मैथमेटिक्स जब प्योर रीजन का सिंक्रोनाइजेशन होगा वट विल फाइंड वी विल फाइंड म्यूजिक नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक इज वाट एन इंटीग्रेटेड होल इन म्यूजिक देर इज एन ऑर्डर सिमिलरली इन मैथेमेटिक्स वाट वी फाइंड मैथेमेटिक्स इज बेस्ट ऑन द डिडक्टिव मैथड अब सर ये डिडक्टिव मैथड क्या होता है डिडक्टिव मैथड इज दैट कि एक कोई सेंट्रल आइडिया होता है सेंट्रल एक्स्यूम होता है जिससे बाकी सारी चीज़ें डिराइव होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल समल ऑफ ए ट्राएंगल इज वन एटी डिग्री ज डिराइव फ्रॉम द वेरी बेसिक डिफिनेशन ऑफ ए ट्राइंगल और इस चीज के जो अपने डिराइव किया है दैट कांट बी चेंजड इसको ना तो गॉड चेंज कर सकते हैं ना तो कोई साइंटिस्ट चेंज कर सकता है ना ही कोई थेरी चेंज कर सकती है सो लॉजिकली दिस विल ऑलवेज बी ट्रू बिस ट्राइंगल के डेफिनेशन से डिराइव हो रहा है और सर इससे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमैट्रिक डिराइव हो रही है वट वी फाइंड देर इज ऑन सेंट्रल आइडिया उस सेंट्रल आइडिया सेटेंट इज दट ऑल थिंग्स आर डिराइव इनार्कल मैनर और दिस हर आर्कल मैनर इज वट ऑर्डर ऐसा नहीं कि कोई भी चीज रैंडमली कहीं से आ जाएगी सो so, this system of mathematics suits to two things one is the order second thing all these elements are logically connected so within the mathematics what is there an organic relation and that makes is a complete whole Like our universe the, uni the space. Similarly. <laughs> Similarly, mathematics Mathematics is a realm of organic whole complete with the way music is so music is the complete organic whole of sounds and vocals similarly mathematics is organic whole of what reason third thing third thing uh, mathematics is all about order Similarly, in music we also see order now come to the most important point is the perfection no other stream no discipline in the world has got this prestige to have perfect things within its realm and that 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 honor only goes to mathematics similarly like in music we see the perfect vocals in uh, sounds similar in mathematics. We see perfect perfectionism. How? <laughs> because in mathematics we find the idea of a circle and that idea of circle is only perfect thing no other thing in the world can be as perfect as the idea of circle earth is circular moon is circular Sun is circular, but they are circular in nature. They have characteristics of circ being circular, but they are not a pure circle. the pure circle is only only in the realm of reason. Pure circle is only only possible in the mathematics, and that mathematics is what the music of reason. And that reason and mathematics plays the role of. That's when mathematics and reason combines. It leads to. Perfection and perfection means what divine only God can be perfect, so this is what divinity. Next, next is mathematics, mathematics is all about sir continuity. Similarly, like sir music may. इम्परसेप्टेबल कंटिन्यूटी है वी कैन सी म्यूजिक प्रैक्टिसनर वेन यू प्लेज सारे गा वो एक फ्लू है एक लय है इन मैथामेटिक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एवरी नंबर इज इंपरसेप्टेबली प्रोसीडिंग टू अनदर नंबर देर इज नो ब्रेकआउट देर इज नो एनी डिस्क्रीट पॉइंट This rhythm, this lie, this flow is imperceptible. Again, again, again. Mathematics is all about infinity. Only discipline that has the idea of infinity. What can be infinity? And that infinity comes from from where? Reason. So this is how mathematics is the music of pure reason. But this and this, this this magic of pure reason has played very important role in humankind since our Vedic time. What we have seen, sir. This Vedikas. And these Vedikas were what?

And reformation in Europe that started with mathematics. When reformation, the first philosopher, what René Descartes, and he was a great mathematician, and he tried to bring logical relation of mathematics, the logical thinking ability of mathematics into the social reformation. And it led to what? Mathematical reasoning. Mathematical reason led to what? Social reformation, scientific temperament social reformation and same thing happened in india that rational thinking that rational thinking led to what social reformation in india and finally nationalism and independence so all these things have Started from where? Mathematics. Well, in mathematics can give rise to the scientific temperament and rational thinking. So all this have played very important to This but it has certain drawbacks also. The mathematical first the first drawback, which mathematics is. The first drawback which mathematical model have is the first is that it creates hierarchy because it is the realm of reason, realm of logics. So it is not possible for every human being to be equally. इक्वली स्ट्रोंग एनफ टू कैप्चर द कैप्चर द रीजन रीजन पे उतना स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स uh, पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना नॉलेज को इक्वली इक्विटेबली पूरी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना सबको होल्ड करना इज नॉट पॉसिबल इन द सोसाइटी सो वट रीजन लेट टू रीजन लेट टू हर आर्किकल सोशल ऑर्डर इस एग्जाम्पल इसे समझते हैं कि गीता में तीन मार्ग के बारे में मुक्ति के साधन बताए गए हैं एक ज्ञान मार्ग है क्योंकि ज्ञान मार्ग प्योर रीजन बेस्ड है लॉजिक बेस्ड है सो इसके एक तो अनुयायी बहुत कम है दूसरा ये बहुत कठिन है तो जिन लोगों ने इस मार्ग पे चला और ज्ञान की बातें की उन उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या हरारकी क्रिएट की और बिकॉज ऑफ दिस इस हरारकी के अगेंस्ट एक रिवोल्ट हुआ And that revolt was what in the form of Buddhism. That revolt was in the form of Vakti movement. Which led to what? An egalitarian society. Whose idea was to establish an egalitarian society. Again, mathematics is devoid of human emotions and reason, and a man, a society cannot live without emotion. So, any, any method, any model which tried to establish a social order on the basis of mathematics have failed. Third point. थर्ड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मैथामेटिक्स मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन वॉट डिडक्टिव नॉलेज सो एक सेंट्रल आइडिया है उससे हर चीज डिड्यूस हो रही है दैट मीन्स इसमें सर जी क्या है इट स्टैब्लिश अ मोनार्किकल सिस्टम और इन ब्रॉडर सेंस इट लीड्स टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सो अटिकल मॉडल हर चीज वहीं से डिड्यूस हो रही है इट विल सी सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिक होल सो बहुत सारे जितने भी ऑथोरिटेरियन स्टेट ऑथोरिटेरियन रिजाइन ने उन्होंने इसी मॉडल को अडोप्ट किया और स्टेट को एज ए ऑर्गेनिक होल बताया एंड एवरी इंडिविजुअल को उसके अंदर सब्ज्यूम कर दिया तो इंडिविजुअल का अपनी आइडेंटिटी है ही नहीं उस स्टेट में सो वेंस वी गो कंप्लीटली बाई रीजन सो वी लूज आवर फ्रीडम ए सोसाइटी दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स ए सोसाइटी विदाउट एनी फ्रीडम दिस फ्रीडम इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ बींग स्लिव बाई एनी वन बट दिस फ्रीडम इज लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ Free will. And last but not least, the mathematical model always favors a top down approach because everything has an order, everything has a hierarchy. So, similarly, everything has to be in order, and then order emanates from the top to bottom, not from bottom to top.

जब गवर्निंग स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई दैट गवर्निंग स्ट्रक्चर फोकस इन कि वंस एवरीथिंग इज रैशनल एवरीथिंग इज रीजन बेस्ड सो गवर्नेंस विल बी इंटेलिजेंस कोस एंड दैट आई क्यू बेस्ट मॉडल वॉज गिवन बाई मैक्स वेबो बट लेटर ऑन वेन वी हैड आइडिया ऑफ वट Good governance, we realized no, 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 we have made a fundamental fault here. A good governance cannot be only based on reason, we need one more important thing that is sir, emotional intelligence. And here, reason has to give way for emotion and a blend of emotion plus reason. कैन वनलीड टू गुड गवर्नेंस सो इस ऐसे में हमें इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करनी थी फाइनली इसे गुड गवर्नेंस तक पहुंचाना था और गुड गवर्नेंस से पहुंचा के इनफैक्ट वी कैन सी कि जब रीजन और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है तो वी कैन हैव द गांधिया नोशन ऑफ राम राज्य